क्रिकेट के किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है कि वो टीम के लिए एक बड़ी पारी खेले, यानी कि शतक लगाए, नहीं तो कम से कम अर्धशतक तो बनाए ही। आज के समय में तो ये काम काफी आसान दिखता है, लेकिन 2-2.5 साल पहले यही काम काफी मुश्किल सा था। अगर कोई खिलाड़ी शतक लगा भी दे तो जरूरी नहीं होता था कि उसकी टीम आसानी से जीत दर्ज कर ले, जबकि आज के दौर में अगर किसी बल्लेबाज ने शतक लगा दिया तो उम्मीद रहती है कि उसकी टीम जरूर जीतेगी। उन खिलाड़ियों के लिए इससे बुरा क्या होगा कि वो शतक लगाएं फिर भी टीम जीत ना पाए। ऐसे कई भारतीय भी रहे हैं जिनके शतक के बावजूद भी उनकी टीम हार गई। आज हम आपको ऐसे ही 3 भारतीय खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने जब जब शतक लगाया टीम को हार ही नसीब हुई। दिलीप वेंगसरकर। टेस्ट क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज रहे दिलीप वेंगसरकर का नाम इस लिस्ट में होना अपने आप में बड़ा विषय है। जो कारनामे उन्होंने टेस्ट में कर दिखाए वो एक दिवसीय में दोहराने में असफल रहे। उन्होंने 116 टेस्ट मैचों में 6,868 रन बनाए। इस फॉर्मेट में उनके नाम 17 शतक शामिल हैं। वेंगसरकर ने भारत के लिए 129 एक दिवसीय मैचों में 34.39 की औसत से 3,508 रन बनाए। उस फॉर्मेट में उनके नाम एक शतक भी है, लेकिन जिस मैच में उन्होंने शतक लगाया उस मैच में टीम को हार का सामना करना पड़ा था। रमन लांबा। रमन लांबा का क्रिकेट कैरियर काफी छोटा रहा क्योंकि उनकी मौत क्रिकेट मैदान पर ही हो गई थी। दरअसल बांग्लादेश के ढाका में फील्डिंग के दौरान रमन लांबा गर्दन के पास गेंद लगने से घायल हो गए थे। उन्हें उपचार मुहैया कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। लांबा ने अपने कैरियर में 32 एक दिवसीय मैच खेले थे जिसमें उन्होंने 27 की औसत से 783 रन बनाए, जिसमें एक शतक और 6 अर्धशतक भी शामिल है। जिस मैच में उन्होंने टीम के लिए शतक बनाया उस मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। संजय मांजरेकर। बात जब भी एक सफल कमेंटेटर की होती है तो संजय मांजरेकर का भी नाम जरूर आता है, लेकिन मौजूदा समय में वो अक्सर अपने विवादित बयानों के जरिए सुर्खियों में रहते हैं। मांजरेकर का नाम उन भारतीय क्रिकेटरों में शामिल होता है जिनमें खिलाड़ी के शतक लगाने के बावजूद भी टीम को हार का ही मुंह देखना पड़ा हो। भारतीय टीम के लिए 74 एक दिवसीय मैच खेले मांजरेकर ने 33.23 की औसत से 1,994 रन बनाए। उन्होंने एक शतक भी लगाया, लेकिन जिस मैच में उन्होंने शतक लगाया उस मैच में टीम को हार का सामना करना पड़ा था। मांजरेकर के नाम 15 अर्धशतक भी हैं। वो भारत के लिए टेस्ट भी खेल चुके हैं। एक बार टीम से बाहर होने के बाद उनकी कभी भी भारतीय टीम में वापसी नहीं हो पाई। आगे चलकर उन्होंने कमेंट्री में अपना कैरियर बनाया।